लोग भी आते हैं, कई लोग सिर्फ दूसरे चीज़ें। जिस दिन सफल हो जाओगे, लोग तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम दे देंगे। शेयर मार्केट में अपन सब मेहनत करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कुछ साल लग जाते हैं सफल होने के लिए। जिस दिन सफल हो जाओगे ना, लोग तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम दे देंगे। ये बिल्डिंग बन रही है, अभी बनती रहेगी कुछ समय। लो, बन गई। स्टॉक मार्केट में बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज सक्सेसफुल हो पाते हैं। लैपटॉप इस साइड का, इसका उधर से निकलो, इधर से निकल सकता हूँ। तो क्या हुआ? तो आइए शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, another one. another one. तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, रेडी। नाइस व्लॉग। ये बहुत बढ़िया शॉट हो गया व्लॉग के लिए। दिस इज अ गुड कट फॉर व्लॉग। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। इस इन्वेस्टर ने एक नॉर्मल ट्रेडर और इन्वेस्टर की तरह वही गलतियां की जो आप और हम करते हैं। नहीं नहीं, देखना नहीं है मेरे को, मैं बंद करता हूँ, बार बार खोलना पड़ता है इसलिए। ये पीछे बैठूँ आराम से। अब इस इन्वेस्ट ये बंद कर दें, आवाज़ भी आ रही है ठक ठक की। नहीं, तुम अंदर आ जाओ, तुम बाहर। अब ये इन्वेस्टर आपको क्या सिखाएंगे? नहीं, ऐसा लग रहा है ना, आपको क्या सिखाएंगे? अब इन इन्वेस्टर से आप क्या सीख सकते हैं? इनके सजेशंस बहुत सामने से बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। नहीं। अब इन इन्वेस्टर से आप क्या सीख सकते हैं? देखिए, इनके सजेशंस बहुत प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, इनके अनुसार जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी की मैनेजमेंट को देखिए और फिर देखिए कि कंपनी की मैनेजमेंट लाइट के लिए क्या करती है। इन्वर्टर दे पाती है टाइम से? अब इन्वेस्टर से आप क्या सीख सकते हैं? देखिए, इनके सजेशंस बहुत प्रैक्टिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट में से पहले, फॉर एग्जाम्पल से बोल दूँ, अब इन इन्वेस्टर से आप क्या सीख सकते हैं? देखिए, इनके सजेशंस बहुत प्रैक्टिकल हैं। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। उस कंपनी ने उस मैनेजमेंट ने, अरे कहना क्या चाहते हो? होएगा तो एक ही शॉट में होएगा। अब इन्वेस्टर से आप क्या सीख सकते हैं? देखिए, इनके सजेशंस बहुत प्रैक्टिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी की मैनेजमेंट को देखिए, किस बैकग्राउंड से आती है वो मैनेजमेंट। ये देखिए कि वो मैनेजमेंट कंपनी के जब हालात ख़राब चल रहे हैं, उस सेक्टर के हालात ख़राब, उस इकोनॉमी के हालात ख़राब कर चल रहे हैं, उस समय वो मैनेजमेंट किस तरह से उस कंपनी को चलाती है, किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को एक तरह से एक्सपीरियंस देती है। इन अ सेंस,
कि कंपनी प्रॉफिट लॉस में होने के बावजूद अपने आप को किस तरह से संभालती है. दैट इज व्हाट बिगेस्ट. ये लाइन सिर्फ ये लाइन बोल दो लास्ट में कि सारा करवाओगे. हाँ, शुरू से करूँ बिंदास? मैं कर सकता हूँ, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है. मैं कुछ और खा जाऊँगा, डायलॉग रह जाएंगे. दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ स्मॉल कंपनी और फ्रॉम अ बिगर कंपनी. दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ स्मॉल कंपनी फ्रॉम अ वेरी बिग कंपनी. तो मैं तो कह रहा हूँ कि फेलियर वाला यहाँ पे आप वो अपना वो शॉर्ट्स डालवा दें. क्या फेलियर इज अ गुड टीचर, फेलियर वर्सेस सक्सेस का. आप यहाँ ये नहीं दिखाना यार क्रिसमस वाला, और चेयर भी नहीं दिखानी. ये गेट दिखाते हैं ना, ठीक पड़ा है हमारे पास. खड़ा हो जाता हूँ इसे. चेयर दिख रही है? नहीं. ओके, इसे तो कहते हैं सीखना ही तो है. ऐसा कुछ रह गया था ना, क्या था? जितना सीख सकते हैं सीखिए. इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था कि फेलियर आपके लिए बेहतरीन टीचर कैसे हो सकता है. देखना चाहेंगे? है ठीक है, ठीक है किया. तो अब क्या, बस हो गया? क्या कर दिया? अब आ गया कि कौन है ये इन्वेस्टर. ये सक्सेस स्टोरीज बहुत इंस्पिरेशनल लगती हैं. आप किनके बारे में और जानना चाहेंगे? इस सीरीज में हम और भी सक्सेस स्टोरीज कवर करेंगे. जैसे कि पहले एपिसोड में हमने मिस डोली खन्ना के बारे में बताया, आज मिस्टर विजय खेड़िया के बारे में. थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए. टेक केयर, बाय बाय. मैं मज़ा नहीं आया लास्ट में आपने. तुम सुन रहे हो? मेरा चेहरा कट के विजय खेड़िया का लग गया. मैं अपनी बात कर रहा था. विजय खेड़िया हूँ मैं. अरे बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो. अच्छा अच्छा, ऐसे स्टाइल में बैठो. तो कौन है ये इन्वेस्टर? पूरी की पूरी स्टोरी हमने सुन ली. एनी गेसेस? वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर विजय केडिया. एक्टिंग पूरी थी ना, ये पूरा एक्टिंग. अच्छा लगा तो सारा. ओके चलो, ये वीडियो लग रहा है कुछ तगड़ा जाएगा. फ्री है, जितना सीख सीखेंगे. ओह गॉड.